हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज चेंजेस अराउंड अस। वी एक्सपीरियंस मैनी चेंजेस सच एज फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, चेंज ऑफ सीजन, ग्रोथ, डेवलपमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल एंड मैनी अदर चेंजेस विच टेक प्लेस अराउंड अस। And changes, they are caused by mixing, heating, या application of force and pressure on some substances. So before going to start our lesson, firstly we will study what is change. Every day we observe changes around us. For example, flowering of plants, ripening of fruit. Change is the transition of any substance from one form to another. Change kya hota hai? चेंज ट्रांजिशन है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में, तो उसको हम कहते हैं चेंज। एंड वी सी नंबर ऑफ चेंजेस अराउंड अस, बहुत सारे चेंजेस आप अपनी डे टू डे लाइफ में, रूटीन में देखते हो। नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स, यू कैन सी मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ चेंज, जहाँ पे एक सॉलिड से लिक्विड फॉर्म हो रहा है। A balloon changes its shape and size on blowing air in it. एक balloon के अंदर जब भी आप air fill करते हो, उसका shape और size में change हो जाता है। Changes are characterized into following types: natural and man-made changes, slow and fast, periodic, non-periodic changes, desirable, undesirable, reversible, irreversible changes, physical and chemical changes. But in this chapter we will study reversible and irreversible and physical and chemical changes in detail. So first is reversible change. Reversible change is a change that can be reversed. जो भी changes name से ही पता चल रहा है, reverse हो सकते हैं। एक बार change हुआ और temporary change था वो, और वापस से वो अपने originality में आ जाता है, that is known as reversible change. So reversible change is also known as temporary change, which may occur due to change in shape, size, appearance and properties of substance do not change. In these types of changes, जो भी न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, आप उसको वापस से फ्रीज कर सकते हो, लिक्विड फॉर्म से वापस से सॉलिड फॉर्म में कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ फोल्डिंग ऑफ पेपर। फोल्डिंग ऑफ पेपर, आपने कुछ भी शेप में उसको फोल्ड कर सकते हो पेपर को, एंड यू कैन अगेन गेट द ओरिजिनल पेपर। Rolling out of roti from a ball of dough is also an reversible change. Stretching of a rubber band is also a reversible change. ताकि जब आप उसको छोड़ दोगे तो it will again regain its shape. So here you can see some more example: melting of butter, and in the process of recycling of water in nature through water cycle is also a reversible change. What happened? जब वाटर बॉयल होता है, इट्स स्टेट इज चेंज्ड, वो हॉट होने से, हीट की वजह से क्या होता है, कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, दैट इज़ इन दी गैशियस फॉर्म, एंड देन वापस उसे कूल करते हो तो वो वापस कंडेंस हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, ड्रॉप्स की फॉर्म में आ जाता है, एंड अगेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, और आप उसको और कूल करते हो, इट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर इन दिस आर एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंजेस इरिवर्सिबल चेंजेस। अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। नेम से ही पता चल रहा है, जिसको जो चेंजेस को हम वापस से रिवर्ट नहीं कर सकते, वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, दे आर नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस। दे आर परमानेंट चेंजेस, परमानेंट होते हैं, इन विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस चेंज, मतलब जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस होता है और जो फॉर्म हो रहा होता है सब्सटेंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, एंड द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर, आपने एक बार पेपर बर्न कर दिया, वापस से आप उसको नहीं ऑब्टेन कर सकते, दूसरे प्योर पेपर को। नेक्स्ट, कुकिंग ऑफ फूड, रॉ फूड को आप दोबारा नहीं ऑब्टेन कर सकते, अगर आपने एक बार
फूड को कुक कर दिया. कर्डिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रोथ, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस. हेयर यू कैन एड वन मोर एग्जाम्पल. As I have told you, rolling out of roti from a dough is a reversible change. But when you make roti on tawa, hot tawa, that is irreversible change. Ek bar aapne roti ko cook kar liya, chapati bana li, then it cannot be again obtained as a wheat flour. I hope you all have understood this, and now you can differentiate between reversible and irreversible.